राति पाही सकाळ हेला। गच्छ डाळरे अन्यमनस्क भावे बसी थाए रांगा। जोर करी बणी आगरे कहिदेला सिना जे काली मु राजकुमारी आगरे कहिबी मो मनर कथा, किंतु केमिति कहिबो, केतेबेले कहिबो, कोउठी कहिबो, से बाबदरे रांगा किछि भी ठीक करि पारु नथाए। ता संगकु पुणी गोटे माकड़ राजकुमारी चंद्रिका सामना को जाई, मु तुमको भल पाए, तुमको बाहा हबा को चाहे, ए कथा कहिबा पाई रांगा साहस करि पारु नथाए। एमितरे विपद आपदरे साहाज्य करुची, राजकुमारी सांगरे संपर्क जोड़ी, ये ठीक अछि, किंतु बाहाघर पुणी राजकुमारी चंद्रिका सांगरे ये तो किसी छोटिया कथा नुहे ना। बड़ दुश्चिंता भितरे थाए रांगा। एणु माइले गोहत्या, तेणु माइले ब्रह्महत्या। जदि मुह खोली राजकुमारी आगरे निज मनर कथा कहिदौचि रांगा, ताहले कौन हब कौन नाई से कथा भगवान जानती। आउ जदि मुह खोली न कहुचि, ताहले केते बेले जे ब्रह्मराक्षस आसी राजकुमारी को नहीं जीव तार किसी ठीक ठिकाना नाई। ए समय रे कोठी थिला बणी उड़ी उड़ी आसी रांगा पाखे पहुँचला। कहला रांगा, खबर नहींक आसी तो पाई। रांगा टिके बणी मुह को चाहिला, किंतु किछि भी कहलानी। बणी कहला, राजा घर स्वतंत्र खबर मिली रांगा जे आज राजकुमारी चंद्रिका पहाड़ ऊपर कल्पवृक्ष पूजा करने को आसुछंती। उत्तम स्वामी पाइबापी मानसिक रखी कल्पवृक्ष डोरी बांधे सी आज। रांगा कहला, तू एसबु मत कहीं शुणु बणी। बणी कहला, कौन भूली गलु कालीर कथा, काली पर तू मो आगरे एत बड़ दंभ देख कहूलु जे आज तू राजकुमारी आगरे तो मनर कथा कहबू बोली। पुणी कहूलु निजे राजकुमारी चंद्रिका तो बेकर लक्षे गोलापर वर्णमाला पिंधेबे बोली। तो यही सुजोग रांगा, आज ही तू तो मनर कथा राजकुमारी आगरे कहीदे, नहले सारा जीवन पस्तेबू तू केवल। रांगा कहला, बणी तू ठीक कहिचु, आज एपट नहले सेपट, जहाँ भी किसी फैसला आज ही सारा दुनिया आज ही जानिबो राजकुमारी चंद्रिका सहित रांगार बाहाघर हबो ना नाई। एणे मुक्तापुरी जेते पाखे पाखे आसुथाए, सौराष्ट्र देशर राजा पुओ को राजकुमारी चंद्रिका मुहटा जेते अजणा थिले भी भारी चिन्हा चिन्हा लागुथाए। एमिति लागुथाए जेमिति राजकुमारी चंद्रिका ताकु ही अपेक्षा करिकि बसछन्ती। तेणु राजा पुओ मंत्री पुओ को कहिला, संगाते जो राजकुमारी प्रशंसा जंगलर पशुपक्षी माने भी करुछंती, जोटि काउटिए आसी कही बुलुची राजकुमारी चंद्रिका गुणावली सबू, से तमें थरे भाविकी देख संगाते केते सुंदर है नथिबे राजजेमा चंद्रिका। मंत्री पुओ उत्तर देला, संगाते आउ तो मात्र किछि समयर रास्ता, एते व्यस्त काहेकि आमे दुई संगात मुक्तापुरी रे पहुंची जिबा पोरे निज आखिरे तमे राजकुमारी को देखि नबो। दुई संगात एमती कथा हेई हेई पुणी आग को आगई चलले। एणे राजकुमारी खूब चिंतित तो हेई बसी थांती। सखी चंचल और विशाखा कहिले, जेमादेई कल्पवृक्ष पूजा पई जिबार समय हेई गलानी, केते समय आपण एमती चुप हेकरी बसिबे। विशाखा कहला, बार वर्षरे थरे पड़े सुजोग, उत्तम बेला नक्षत्र तिथि बारे कल्पवृक्ष को पूजा कले मानसिक निश्चय पूरण होता है, तेणु आपण जदि आज ए सुजोग को हर बसवे ताहले पुणी थरे सुजोग आसवाक आपण को आहुरी बार वर्ष अपेक्षा करने को पड़ सेते बेलू तो आपण पूरा पूरी बुढ़ी हो जाइए। राजकुमारी कहले, चंचला विशाखा, आज जदि बणी पुणी रास्ता अटकाए, पुणी जदि रांगापाई गोलाप मागे, ताहले एथर जदि रांगा बणी को न पठाई निजे सामना को आसी जाए, ताहले
दुई सखी खूब जोरे हसी उठिले। कहले राजकुमारी चंद्रिका ताहले सामान्य गोटे माकड़ को डरुछंती आजिकाली। राजकुमारी कहले मु रांगा को डरुनी चंचला, बस केमिति ताकु सामना करिवि सेइति पई साहस जुटाई पारुनी। चंचला और विशाखा कहले एते आउ साहस जुटेबा दरकार नहीं राजकुमारी, बणी आउ रांगा को अटकेबा दायित्व आमर, से दी जन को आमे तुम सामना को आसीबा को आजि केबे भी दबुनी, एबे आपण बाहरंतु। बाध्य ए दुई सखी गहन रे पूजा को बाहरले राजकुमारी चंद्रिका। रांगा बणी को कहिला बुझिलु बणी, जेतेबेले आम राज्यर जंगल भितर मु एका थिली खूब भलरे थिली, जेतेबेले एठिका से राजकुमारी को देखिली आहुरी खुशी लागिला, जेतेबेले राजकुमारी को बाहा हेबी बोली मने मने स्वप्न देखिली सेतेबेले स्वर्ग राज्यरे बुलिला भली मते लागिला, आउ एबे एबे एमती लागुची जेमती मु राजा झियो सांगरे भाव लगाई बड़ भूल करदेली। एबे मु ना टिके शांति रे कोठी बसी परुची, ना शांति रे मुठे खाई परुची, ना शांति रे कोठी टिके सोई परुची। बणी कहिला भल पाइबार रास्ता केबे गोलापर सेज नुहे रांगा, ए रास्ता रे पाद देले चालिबा को मजा लगे जेमती गोड़ रे कंटा फुटे भी सेमती। छाड़ जहा तो हेबार कथा हेई सरलानी, एबे देखा जाउ तो भाग्य रे कौन अछि आजि। रांगा मन को दृढ़ कला, साहस बांधी ठिया हला, कहला भाग्य रे कौन अच्छी से कथा जानिबे दरकार नहीं बणी, आज मु मो भाग्य को मो निज हाथ रे तैयार करी, चल जीवा आज राजकुमारी सहित हब मोर बहुत बड़ देखा साक्षात। दुई सखी मेल राजकुमारी आसी पहुँचिले पहाड़ ऊपर कल्प वृक्ष मूल रे। चंचला और विशाखा चारिआड़ को सतर्क नजर रखी थांती, जेमती रांगा किंबा बणी राजकुमारी सामना को आसी न जानती, किंतु जे प्रेम करे ताकुबा बाड़ दे किए अटक पार। एमाने तो आसवा पूर्वरु रांगा और बणी आसी कल्प वृक्षर गोटे कोरड़ भितर लुचिकी बसी जाती, एणे राजकुमारी चंद्रिका यथाविधि कल्प वृक्ष को पूजा कर सारे जेतेबेले मानसिक डोरी को कल्प वृक्षर डाल बांधिबा को गले सेतेबेले गच्छर कोरड़ भितर थिबा रांगा स्वर बदले कहिला मानसिक डोरी बांधिबा दरकार नहीं कन्या, तुम पूजा रे मु अति संतुष्ट। राजकुमारी चंद्रिका और तांकर दुई सखी आश्चर्य चारिआड़ को चाहिले, काई केही तो कुआरे नहांती, ताहले एमिती कथा कहिला किए। विशाखा कहिला आपणक पूजा रे संतुष्ट होई वृक्ष महाराज शून्यवाणी करुछंती जमा दै। ए कथा सुनी राजकुमारी भक्ति रे गदगद होई उठिले, कहिले हे वृक्ष महाराज कौन सतरे आपण मो पूजा रे संतुष्ट? कछ कोरडर थाई रांगा कहिला हाँ कन्या, मु तुम पूजा रे अति प्रसन्न, माग कौन बर मागुच माग। एक कथा सुनी राजकुमारी लाजरे मुहपति चुप रहिबारु तांकर प्रिय सखी चंचला कहिला हे वृक्षराज, आज पर्यंत आम जेमादेई को उपयुक्त बर पात्र टीए मिलिलानी, आपण आम जेमादेई को मानसिक पूरण करंतु महाराज, तांकु तांको मन लखि बर पात्र टीए मिलु। तहु रांगा कहिला राजकुमारी मन लखि बर तो तांको सामनारे अछि, बस ताकू केवल चिन्हबारे राजकुमारी डेरी कर देइछंती जा। एक कथा सुनी राजकुमारी आ दुई सखी परस्पर मुह को चाहा चुही हेले। विशाखा पचारिला किए से बरपात्र महाराज? तहु गच्छ कोरडर थाय रांगा कहिला राजकुमारी विवाह गोटे मांकड़ सहित हेब, सेई मांकड़ जे राजकुमारी अनेक विपदर उद्धार करिछि, जी राजकुमारी बाटरे बिछेई देइथिला गोलापर पाखुड़ा, आउ जी मुक्तापुरी को एते बड़ ब्रह्म राक्षस पाखरु उद्धार करिथिला सेई मांकड़, सी आउ केही नुहे, सी होउछि रांगा। राजकुमारी उपयुक्त बरपात्र सीए,
तेणु हे राजकुमारी चंद्रिका, तमे आउ डेरी न करी रांगा बेकरे लक्षे गोलापर वर्णमाला दे ताकु स्वामी रूप से वरण कर। कौन राजकुमारी चंद्रिका सतकु सत रांगा बेकरे लक्षे गोलापर माला देवे? गोटे मांकड़ को ज्वाई करने राजी हेबे तो मुक्तापुरी महाराज। सौराष्ट्र देशर राजा पुआ आसी मुक्तापुरी रे पहुंचला बेलकु कौन राजकुमारी चंद्रिकांकर बाहागर हेई जाइथिबो रांगा सांगरे? ए सबर उत्तर जानिबा पई देखंथु मन छुआ कहानी प्रस्तुत आपण मानकर प्रिय धारावाहिक मांकड़ ब्रह्म राक्षसर 33 तम अध्याय। जय श्री राम।